हेलो गाइस, इट्स योर बॉय अरिश। और आज हम बात करने वाले भेड़िया मूवी का जो नया सॉन्ग आया, अभी तक मतलब फर्स्ट सॉन्ग आया है और उसने मतलब इतना पागल कर दिया है कि क्या ही बताऊं। उसका जो नया सॉन्ग आया ठुमके से, अभी तक आपने देखा भाई, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने भी 2 दिन लेट देखा भाई, गलती हो गई भाई, सॉरी यार, मेरे को माफ़ कर दो। छोड़ यार, गलती हुई तो हो ही, लेकिन अब मेरे को पता चल गया ना भाई उसके अंदर क्या हुआ। उसके अंदर हमारी जो श्रद्धा कपूर है, जो कि स्त्री मूवी के अंदर थी, आपको पहले पता ही होगा ये एक यूनिवर्स है पूरा पूरा। एंड उसके अंदर मतलब वीडियो सॉन्ग के अंदर वो आ गई भाई, उसका केमियो, वो अपीरियंस लगभग 40 सेकंड के लिए हमने उनको सॉन्ग के अंदर देखा होगा। एंड उनको देखने के बाद मेरा रिएक्शन था ना, वो ऐसा था। सच बता रहा हूँ भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाई भेड़िया मूवी के अंदर, तो भाई ये तो ओरिजिन मूवी है, इसके अंदर तो हमको ओरिजिन बताया जाएगा कि उसको पावर्स कैसे मिलेगी, क्या होगा, लेकिन इसके अंदर श्रद्धा कपूर आ गई भाई, स्त्री इसके अंदर आ गई यार। अब देखो यार, इंडियन सिनेमा कितना आगे बढ़ रहा है भाई, मूवीज के अंदर क्रॉस ओवर हो रहे हैं, सिनेमेटिक यूनिवर्स बनाए जा रहे हैं। तो अब सोचो, अब वो टाइम दूर नहीं जब मार्वल को भी हम टक्कर देंगे एक टाइम पर, जो दौर जरूर आएगा। वैसे भी इंडिया में अंदर जो यूनिवर्सेज है वो बनना चालू हो गए हैं, जैसे कि मतलब अभी क्रॉस ओवर तो हो ही नहीं भी शुरू हो गए। एक यूनिवर्स है जो हमारा कॉप यूनिवर्स, सुबह शेट्टी सर का सिंगम, सिम्बा एंड सूर्यवंश, तीनों एक साथ हमको एक मूवी के अंदर देखने को मिल गए ना भाई, हो गया ना क्रॉसओवर। और उसके अंदर भी एक और चल रहा है अभी जो काम चल रहा है, इंडियन पुलिस फोर्स ऐसे कुछ करके अमेजन प्राइम वीडियो बनाने वाली वेब्स। तो हाँ, मतलब कॉप यूनिवर्सेस अब बनना शुरू हो गए हैं। एंड क्या बन रहे हैं भाई साहब, ये सेकंड होगा जब कोई मूवी के अंदर क्रॉसओवर्स होंगे, एंड वो देखकर भाई मजा आ जाएगा भाई, श्रद्धा कपूर। पर आपको क्या लगता है, ऐसे भाई गाने के लिए वो आएंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को लगता है कि उनका मूवी के अंदर भी छोटा सा रोल होगा, उनका कोई कैमियो मान सकते हो आप, छोटा सा होगा ही होगा, लास्ट में बोल सकते हो या होगा, या फिर क्या पता लास्ट मूवी जब खत्म हो तब उसके अंदर रूही आ जाए, क्या पता अगला जो उन्होंने सॉन्ग निकाला उसके अंदर हमको दिखा दे रूही को। कुछ भी नहीं सोच सकते भाई साहब, क्या दिमाग लगा रहे हैं वो मूवी को। मतलब अब तो मूवी के लिए हाइप बहुत ज़्यादा बढ़ गई भाई, श्रद्धा कपूर को देखने के बाद सब पागल हो जा रहे भाई। ट्विटर पर देख रहा हूँ मैं, क्या बहुत 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 मतलब इससे बहुत ज़्यादा हाइप पड़ी है यार मूवी की, बहुत ज़्यादा हाइप। अभी यूनिवर्सल की बात चली रही है तो अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन से यूनिवर्स अभी डेवलप हो रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर, इंडियन मूवीज़ के अंदर। सबसे पहले एक जो लोकी यूनिवर्स बन रहा है, लोकी वो मार्वल वाला लोकी नहीं चल रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर जो लोकेश कनगराज हैं जो कि बनाते हैं मूवीज, उनकी सबसे पहली मूवी आई थी आई थिंक सो कैथी आई थी, उसके बाद उन्होंने विक्रम निकाली। एंड अब विक्रम 2 या जो रोलेक्स कुछ भी बनाएंगे वो, मतलब दैट्स अमेजिंग। उनका भी यूनिवर्स अभी काम चल रहा है, मतलब उसके अंदर भी इतना ज़्यादा क्रॉस ओवर्स हुए नहीं है अभी तक। सेकंड जो हमारा KGF वाला यूनिवर्स है वो भी अभी उससे चल रहा है, उसका भी इतना कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। अगले आने वाले टाइम में क्या पता हमको क्रॉस ओवर्स देखने को मिल जाए सालार मूवी के अंदर, चांसेस है कि रॉकी भाई आ जाए, चांस तो है। एंड एक नेक्स्ट जो भी यूनिवर्स हमारे बॉलीवुड में चल रहा है, जो कि है मतलब जो सबसे पहले आई थी हमारी टाइगर जिंदा है सलमान खान सर की, फिर वॉर जो ऋतिक रोशन सर है वो, एंड अब आ रही पठान थी, ये तीनों मूवीज मतलब एक ही यूनिवर्स में से है पूरी पूरी, जो मतलब काम करते हैं ना रो के अंडर, या मान सकते हो कि जो अंडर कॉप्स होते हैं वो, उनके ऊपर ही पूरी पूरी कॉप यूनिवर्स बन रहा है जिसके अंदर शायद से मेरे को लगता है कि पठान जो कि आ रहा है जनवरी में आने वाली मूवी, वो भी एक इस यूनिवर्स का पार्ट है। एंड उसके बाद में टाइगर 3 भी आने वाली है, वॉर 2 भी आने वाली है, फाइटर नाम से कोई मूवी आ रही है वो भी है। तो हाँ, यूनिवर्स डेवलप हो रहे हैं, लेकिन भाई साहब इस तरह से होते रहेंगे तो भाई अब कहाँ पर होगा मार्वल यार, मार्वल DC तुम तो गए, डीसी का नाम गलत ले लिया भाई, सॉरी गाइस, डीसी ने अभी कोई यूनिवर्स नहीं बनाया, अब चाहे बना दे क्या पता जेम्स गन आए हैं कुछ भी कर सकते हैं यार वो। तो यूनिवर्सल की बात तो हो गई, लेकिन इस सॉन्ग के अंदर भी मतलब उन्होंने इतनी सारा डिटेल दे दी हमको भेड़िया मूवी के बारे में। भाई आप सब लोग फोकस कर रहे होंगे कीर्ति सेनन के डांस के ऊपर, श्रद्धा कपूर के ऊपर, उनका डांस कर लिए उनके ऊपर फोकस रहेगा, लेकिन मैं देख रहा था वरुण धवन को। एंड भाई मतलब ट्रेलर में हम देखा था कि मतलब उसने भेड़िया काट लिया, लेकिन उसके बाद में इसे कान पर बाल आने शुरू हो गए, हाथों पर बाल आने शुरू हो गए, अलग अलग पावर्स मिल रही है उसको। तो उसका आपने जब इस वीडियो के अंदर ध्यान से देखा होगा तो उसके चेस्ट पर भी बाल उगने शुरू हो गए, इट्स अमेजिंग भाई कितना डिटेल्ड काम कर रहे हैं वो, मतलब हर चीज़ में कोई कमी नहीं। बस कोई ना कह दे कि भाई तुमने ऐसा कर दिया, भेड़िया के साथ ऐसा नहीं होता है, ये तुमने गलती, एक भी इतनी छोटी सी भी गलती नहीं छोड़ना चाहते, वो पूरा पूरा एकदम सही कर रहे हैं। और मैं इसके देख बहुत खुश हूँ कि भाई वो अपने काम को सीरियसली ले रहे हैं, बहुत मतलब बहुत डिटेल्ड काम कर रहे हैं यार। गाइस दैट्स ऑल फॉर वीडियो, मैं मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया श्रद्धा कपूर को उस गाने के अंदर देखकर, और जब थिएटर के अंदर मूवी के अंदर उनको देखेंगे तो भाई मज़ा आ जाएगा। एंड हाँ, डिटेल भी मेरे को बहुत अच्छी लगी, और भी देखेंगे। मैं लास्ट वाला वीडियो जो पेड़ में ऊपर मैंने बनाया था बहुत अच्छा चला था, थैंक यू सो मच गाइस, ये भी चला दो बस, और क्या चाहिए हमको। मैं भेड़िया मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप कितने एक्साइटेड हो मेरे को कमेंट जरूर बता देना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नए वीडियो में, तब तक लीजिए वंदे मातरम।